हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी है सुबह का ही टाइम, तो स्कूल के लिए लंच वगैरह बना दिया है और पैक कर दिया है, क्योंकि आजकल तो सभी बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और चालू हो गए हैं। सुबह मैंने मतलब अभी मैंने लंच में मतलब स्कूल में टिफ़िन पैक करने के लिए बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी और उसके साथ बनाए थे पराठे। क्या है कि भिंडी की सब्ज़ी के साथ पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और वैसे भी मैं सुबह ना नाश्ते में रोटी या पराठे इस टाइप का ही बनाती हूँ स्कूल के लंच में पैक करने के लिए, क्योंकि ना स्कूल में मतलब मेरे बच्चों के स्कूल में ना फास्ट फूड मैक्रोनी पास्ता ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं हैं, मना है लाना। तो वहाँ पे सिर्फ खाना लाना ही अलाउ है, तो बस मैं फिर जो पास्ता वगैरह और ऐसे आइटम होते हैं ना, पोहा वगैरह, ये सारी चीज़ें जिस दिन छुट्टी होती है या संडे होता है तो बस उसी दिन ही बनाती हूँ। तो अभी मुझे झाड़ू पोछा करना है। एक बार तो सुबह झाड़ू हो जाती है किचन में, काम स्टार्ट करने से पहले एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। और फिर अभी क्या है कि सुबह की जो झाड़ू होती है वो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि स्कूल के लिए लंच वगैरह बनाना होता है। तो अभी आराम से लगाऊंगी झाड़ू, और मतलब ये है कि एक बार आराम से अच्छे से झाड़ू और पोछा कर लो तो फिर ना पूरा दिन मतलब साफ बना रहता है घर। तो मेरे पास तो यही दो रूम हैं, ज़्यादा नहीं है कुछ, तो बस अभी जो झाड़ू पोछा है उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये डब्बे थे आटे चावल वाले, तो खाली हो गए थे, तो इनको दो डिब्बे तो मैंने धुल कर और धूप लगा कर रख लिए हैं, और एक डिब्बा था जिसमें थोड़ा आटा था पहले, तो वो खाली नहीं हुआ था तो बस वही रह गया है धुलने के लिए। क्या है कि आटा और चावल वगैरह के डिब्बे अगर धुल कर और धूप लगा कर, इन दिनों में कुछ होता भी है, हर चीज़ों में थोड़ा सीलन सी आने लगती है, और फिर उससे क्या है महक वगैरह और कीड़े भी पड़ने का टाइम डर ज़्यादा रहता है। तो वैसे तो मैं आटा जो है आटा चावल और दालें वगैरह होती हैं तो उनमें क्या है कि कीड़े ना पड़े इसलिए तो तेज़पत्ते डाल देती हूँ, और दाल वगैरह तो हम उतनी ही मंगाते हैं जो एक महीने के हिसाब से, वो ज़्यादा नहीं मंगाते हैं, लेकिन आटा है और चावल है वो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। तो जब भी मैं डब्बों में आटा या चावल भरती हूँ तो उसमें ना तेज पत्ते डाल देती हूँ, जिससे क्या कीड़े वगैरह नहीं जल्दी पड़ते हैं। और हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा, और क्या बताएं चिपचिपाहट वाली गर्मी है, क्योंकि ना सभी जगह बारिश हो रही है, तो हम लोगों के इधर बारिश नहीं है बिल्कुल भी, और कहीं कहीं तो इतनी बारिश हो रही है कुछ कहने को नहीं, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं है। बादल होते हैं और बारिश वाला मौसम भी बनता है पूरा, लेकिन बारिश नहीं हो रही है और चिपचिपाहट है इन दिनों में। बारिश वाली जो बरसात के टाइम में गर्मी होती है ना, वो होती है ना चिपचिपाहट वाली, तो हर चीज़ में ना अजीब सी सीलन सी लगी रहती है, चाहे कुछ भी चीज़ हो। और क्योंकि कूलर वगैरह भी चलते हैं तो उसमें भी पानी होता है, तो उसमें भी नमी, वो हवा होती है जो उसकी, उसमें भी नमी होती है, तो हर चीज़ में ना चिपचिपाहट लगती है। इन दिनों में धूप तो उतनी तेज़ नहीं निकलती है, लेकिन क्या है जो बदल वाली धूप होती है ना, वो धूप बहुत ज़्यादा ही घुटन देती है, और कभी कभी किसी किसी दिन ना इतनी घुटन सी होने लगती है बहुत ज़्यादा।
कहीं कहीं बारिश हो रही है और तो राहत है, क्योंकि बारिश होने के बाद थोड़ा बहुत मौसम ना ठंडा हो जाता है। अगर धूप ना निकले तो ठंडा हो जाता है, और बारिश होने के बाद अगर धूप निकलती है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है फिर तो। और हमारे यहाँ क्या है, यहाँ पर पंजाब में तो बारिश नहीं हो रही है, क्या पूरा मौसम बादल होते हैं और लगता है कि शायद हो जाएगी, लेकिन नहीं होती है बारिश। और कहीं कहीं इतनी ज़्यादा है कि लोग बारिश से परेशान हो गए हैं, और हम लोगों के यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब पंजाब में हो रही होगी कहीं, जहाँ कहीं हो रही होगी, लेकिन हम लोगों की साइड नहीं हो रही, जहाँ हम लोग रहते हैं उधर की साइड नहीं है बारिश। तो बस यहाँ मैं पोछा वगैरह लगाकर और जाऊँगी सीधा बाथरूम में, क्योंकि ये सारा काम करने के बाद सीधा फिर नहाती हूँ जाकर, और बाथरूम में कपड़े वगैरह हैं थोड़े बहुत तो वो धुलूँगी और जाकर नहाऊँगी। इतनी चिपचिपाहट होती है, तो सुबह जल्दी उठती हूँ 5:30 बजे एक के टाइम, 5-5:30 बजे के बीच में। और बस इसीलिए कि मतलब सुबह जितना जल्दी काम कर लूँ, तो क्योंकि दिन जितना चढ़ता जाता है ना, तो फिर उतनी ही ज़्यादा बेचैनी सी होने लगती है, फिर काम करने का मन नहीं करता है। तो सुबह जितना जल्दी कर लो और जितना काम कर लो तो उतना फिर अच्छा लगता है, क्योंकि काम करते हैं और पंखे मेरे 24 घंटे चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी काम करते हैं ना तो पसीना वगैरह निकलता है, तो उससे चिप 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 सा लगा रहता है पूरे शरीर में, तो बहुत अजीब सा लगता है। तो अभी मैं बाथरूम में झाड़ू पोछा करने के बाद जाऊंगी, तो कपड़े मैंने भिगो के रख दिए थे, तो कपड़े वगैरह धुलकर और उसके बाद ही निकलूंगी। तो बस फिर मेरा रह जाएगा खाना बनाना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और अभी मैं आ गई हूँ नहा के, कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं, तो अभी मैं पीने जा रही हूँ चाय। तो चाय मेरी बन चुकी है, और इसके बाद मुझे मतलब इस पे रखना है दूध। आज लेट हो गई काम मेरा, लेट हो गया काफ़ी, क्योंकि मेरी 8 बजे तक चाय हो जाती है, और आज सो गई थी थोड़ा, उठने में भी लेट हो गई थी, तो इसलिए होता है ना कि जब सुबह थोड़ा लेट हो जाओ उठने में या किसी काम में, तो सारा काम लेट होता चला जाता है। तो बस वही हुआ, मैं थोड़ा सा सुबह लेट हो गई, और गर्मी ऐसी है कि मतलब रात में अच्छे से नींद भी नहीं आती है, बताएं चिपचिपाहट वाली गर्मी है हम लोगों के यहाँ, तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। बारिश नहीं हो रही है, मौसम पूरा बनता है बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं होती है और चिपचिपाहट वाली गर्मी है। तो अभी तो मैं चाय पीऊँगी, और इधर मैंने दूध रख दिया है ये गर्म होने के लिए, तो दूध मेरा होता रहेगा गर्म, और थोड़ी न्यूज़ भी सुनूँगी और चाय भी पीऊँगी, और बाकी फिर देखूँगी क्या खाना क्या बनाना है। पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है, मंदिर में दिया जल रहा है मेरा, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चलो पहले चाय पी लेती हूँ।